उत्तर प्रदेश के हरदोई के कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने किसान यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए फसल अवशेष न जलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष को न जलाकर किसान पराली से खाद बना सकते हैं, जिससे प्रदूषण भी नहीं होगा और किसानों को अच्छी क्वालिटी का खाद भी मिल जाएगा। यह खाद भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद होती है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण तथा आम जनमानस के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खेत में किसी प्रकार की पराली ना जलाएं और इसमें जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि वेस्ट कूड़े व पराली आदि के निस्तारण के लिए कृषि विभाग द्वारा वेस्ट डिकम्पोजर नामक फंगस का निर्माण किया गया है, जहाँ वेस्ट कूड़े एवं पराली से खाद तैयार की जाती है और इस खाद को किसान अपने खेत में डालकर खेत की मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के साथ फसल की पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि इसके अलावा जो किसान अपने खेत की पराली गौशालाओं में दे रहे हैं, उनकी पराली ग्राम प्रधानों द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से गौशालाओं में पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा पराली को गौशाला में पहुंचाने पर देरी की जाती है तो किसान इसकी सूचना DD कृषि, DC मनरेगा या अपर जिलाधिकारी को दे सकता है। सूचना प्राप्त होते ही संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर DD कृषि डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्रा ने डीकम्पोजर फंगस के बारे में उपस्थित किसान एवं पत्रकार बंधुओं को पूरी जानकारी दी। बैठक में संजय कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार साहू, सरोज दीक्षित, राघवेंद्र सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। क्या समीक्षा बैठक क्या है? उनकी नीलामी की जा रही है, इस सिलसिले में मैं यहाँ आऊँगी और इसके अलावा कार्यालय के कामकाज का भी निरीक्षण किया गया। कोई खामी कार्यालय में किसी प्रकार की? नहीं, कार्यालय में तो ठीक सब कुछ पाया गया। कुछ कार्यों के लिए निर्देश दिए गए हैं, कुछ प्रवर्तन कार्य में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। चूँकि ARTO साहब की अभी नई नई नियुक्ति हुई है तो वो अब कार्य शुरू कर दे रहे हैं। आपका शुभ नाम जी? शुभ नाम आपका? विदिशा सिंह, मैं लखनऊ में RTO प्रवर्तन पद पे पोस्टेड हूँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।